हे गाइस वेलकम बैक। सो सारा वेट खत्म कर रहा हूँ मैं आज आप लोगों का। एंड या लाइक आई नो इट हैज़ बीन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ। हम थोड़ा बिजी थे एंड जैसे आपको मालूम है कि हम क्यों बिजी थे। सो द वेट इज़ ओवर फाइनली। वी हैव आवर फर्स्ट शिपमेंट ऑफ आवर न्यू शॉप दैट वी हैव लोकेटेड हियर। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आप लोग का एंड लेट्स जस्ट चेक आउट मैन। वी हैव आर टीम वर्किंग ऑन इट राइट नाउ एंड वी विल शो यू ईच एंड एवरी बेसिक थिंग एंड वॉट वी हैव गॉट टूडे। सो या लेट्स कम एंड सी। सो हियर वी आर, लेट्स सी वॉट वी हैव गॉट टूडे एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी वॉट्स इन देयर। एंड नाउ एज यू कैन सी दैट वी हैव लाइक दिस। ये अभी हमारा आधा शिपमेंट है बाय द वे। अभी हम और लेकर आने वाले हैं। वी हैव मोर कमिंग ऑन द वे। सो या लेट्स जस्ट चेक आउट व्हाट वी हैव। And what do we have here? Okay, we have some amazing koi, Japanese koi to be precise. ये original koi है and आप देख सकते हो they are like उनका color and bag में ही कितना pretty है. So अभी तो बहुत travel करके आए हैं ये. So we have to acclimatize them first and let's see. जब ये tank में जाएंगे तो we'll definitely give you an update. ये कैसे दिख रहे हैं? ओके सो हियर इज दर एंटायर प्रोसेस। क्या क्या चलता है, व्हाट थिंग्स वी मेक श्योर दैट वी डू। Okay, so moving forward, here is our next box and let's see what's inside. क्या है अंदर देखते हैं अभी अपन। इसमें भी बहुत सारा कुछ कुछ है। I can see a lot of small discs as well. Okay, wow, what a beauty this is. Okay, we have some other stock as well. Okay, amazing. Okay. हियर वी हैव सम स्मॉल डिस्कस। हमको बहुत सारी डिमांड्स आती है, बहुत सारे इंक्वायरीज आती है फॉर दिस पर्टिकुलर साइज। सो वी हैव अ लॉट ऑफ देम नाउ एज यू कैन सी। एंड हियर ऑल्सो वी हैव सम 4-inch साइज डिस्कस एज वेल एंड वी हैव सम ब्लू डायमंड एंड या सो वी अगेन द सेम साइज जिसकी हमको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट और डिमांड आती है। सो या कांट वेट टू शो यू गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अभी अच्छे खासे प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। एज यू नो वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनी ऑफ द प्रोसेस दैट जो हमको फॉलो करना चाहिए व्हाइल एक्लिमेटाइजिंग द फिश। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स ओपन आवर थर्ड बॉक्स फॉर टुडे। एंड व्हाट डू वी हैव हियर। तो ये बहुत ही डेडिकेटेड प्रोसेस होता है दैट वी फॉलो एंड आई एम श्योर सबको फॉलो करना चाहिए एक्लिमेटाइजिंग द फिश। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी आइडिया है कि ये क्या है एंड जिनके लिए नहीं है वी विल शो यू गाइज हाउ टू डू इट। लेट्स सी वॉट इज हियर। ओके अमेजिंग स्नो वाइट्स एट अ वेरी ग्रेट साइज एंड अगेन हियर वी हैव सम सेम 5-6 सेंटीमीटर्स ऑफ डिस्कस।
वेरी मच। ओके अगेन सम ब्लूज, ब्लू डायमंड्स थोड़े बड़े साइज में, बहुत ही बढ़िया। एंड अगेन वी हैव सम ग्रेट स्नो वाइट्स एंड ब्लू डायमंड्स एंड रिफ्लेक्शन डीज। सो अगेन नाउ एज आई टोल्ड यू कि ये बहुत अच्छे खासे प्रोसेस के थ्रू जाने वाला है पहले ही, सो वी कीप यू अपडेटेड। इनफैक्ट हम लाइक बताएंगे आपको। ओके हियर इज अनदर बैग, अमेजिंग, आई कांट वेट आप लोग को दिखाने के लिए कि जब ये टैंक में जाएंगे तो कैसे दिखेंगे। सो या लेट्स नॉट वेट मोर एंड हम हमारे एक्लिमेटाइजेशन के प्रोसेस से चालू करते हैं। ओके सो दिस इज हियर इट इज आर न्यू स्टॉक हियर, आप देख सकते हैं वी हैव जस्ट एडेड, हमने अभी जस्ट ऐड किया इनको। ये अभी सेट नहीं है ऑब्वियसली बिकॉज दे हैव ट्रैवल्ड अ लॉट और यहाँ पर आए हैं, तो वंस वी गेट टू नो कि ये सेट हो रहे हैं एंड बिकॉज ऑब्वियसली नई जगह है, सब कुछ नया है फॉर देम, तो वंस वी डू दैट प्लीज कनेक्ट एंड वील अपडेट यू गाइज एज वेल, और वी कांट वेट टू सर्व यू अगेन वेरी सून, सो स्टे कनेक्टेड टिल देन।